यस, गुड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी आगे। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो करते हैं जो आज के एक नए ब्लॉग की शुरुआत आपकी अपनी हिमालयन क्वीन के साथ। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स सुबह के 9 बजे से, और आज है 25 दिसंबर, और आज क्रिसमस भी है। तो सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस। और इसी के साथ साथ आज है मेरा बर्थडे, तो आज के ब्लॉग में क्या खास रहने वाला है फ्रेंड्स वो मुझे भी नहीं पता। फिलहाल अभी आज हम जा रहे हैं रामपुर, और आगे क्या क्या रहता है वो मैं आपसे आगे शेयर करूँ। आज के ब्लॉग में मेरे साथ है नवीन, और हमारे साथ है आरव। आरव हेलो करो। हेलो। तो आरव को जो जो जानता है वो कमेंट करना कि आरव कौन है। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आरव? हम रामपुर जा रहे हैं आज हम। और कौन है हमारे साथ? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल गुड। और फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने दिवाली वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो यस, गुड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी आगे। तो फ्रेंड्स, रामपुर पहुँचते ही हम लोग पहुँच गए लवी मेले में। इस बार जो मेला है काफ़ी लंबा चल रहा है। वैसे ये मेला एक महीने का होता है जो कि 11 नवंबर से शुरू होता है। तो हमने सोचा कि जब रामपुर पहुंच ही गए हैं तो क्यों ना मेला भी देखा जाए। तो आइए चलते हैं मेला ग्राउंड की तरफ। और फ्रेंड्स, इसके बाद जाकर हम लोग बैठ गए झूले में। तो कैसे लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। डर तो नहीं लग रहा है? पक्का? चलो फिर एंजॉय करो। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा क्योंकि बहुत बड़ा झूला था, और ऊपर से जो व्यू था टेंट्स और मेला ग्राउंड बड़ा ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है आज मेले में। लास्ट मेरा जो ब्लॉग था उस दिन जब हम आए थे तो बहुत कम लोग थे, और आज लग रहा है कि मेला चला है वो भी लवी का।
बार हमने खाए सिड्डू, जिसमें अखरोट की स्टफिंग थी और साथ में चटनी थी जो काफी टेस्टी थी। और मेला देखने के बाद फ्रेंड्स हम लोग निकल पड़े रामपुर मार्केट की तरफ। हमने करी थोड़ी बहुत शॉपिंग, तो ये देखिए सामने कितनी ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस लगी है और ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है पेटीकोट रेष्टा। और फ्रेंड्स यहाँ आपको बहुत ही अच्छा फैब्रिक मिलेगा पेटीकोट और रेष्टे का, और आप इस तरह से रेडीमेड भी यहाँ पर खरीद सकते हो। शॉप है साधुराम जी की जो कि काफी फेमस है अपने रेष्टे और पेटीकोट के लिए। यहाँ भी आपको काफी अच्छा फैब्रिक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स मेला देखने के बाद अब हमारे हाल ऐसे हैं कि आंखें जो है वो बंद हो रही हैं। आरू कैसा लगा मेला? बहुत अच्छा। दिखाओ जरा क्या लिया आपने मेले से। बस 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 काफी हो गया आज के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे क्या है कि मुझे बर्थडे का फर्स्ट गिफ्ट मिलने वाला है और वो भी आरव से। तो आरव मेरे लिए कुछ लाया है। आरव क्या लाए हो आप मेरे लिए? वाओ थैंक यू थैंक यू। तो आरव ने मुझे ये ब्यूटीफुल सा रोज गिफ्ट करा, तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है और सबसे पहला बर्थडे गिफ्ट है। थैंक यू बेटू। तो नवीन जी मुझे क्या गिफ्ट कर रहे हो? आरू तो अपना गिफ्ट दे चुका है, आप क्या गिफ्ट कर रहे हो? कुछ भी नहीं। करेंगे कुछ स्पेशल। स्पेशल वाओ, चलो लेट्स सी क्या स्पेशल होने वाला है। खैर मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं कि क्या स्पेशल होगा, तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अपने दिवाली वाले व्लॉग में बताया था कि मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, तो यस मैं आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। और गुड न्यूज़ क्या है, मेरे बहुत से जो सब्सक्राइबर है और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझसे पूछते रहते थे कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। तो यस मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है और काफ़ी पहले हो चुका है। तो मुझे क्या है कि काफ़ी टाइम से प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे लगा कि आज के दिन से बेटर क्या हो सकता है कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं कि यस जो मेरा चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। और यस हमने न्यू कार भी खरीदी है, तो सेकेंड जो है गुड न्यूज़ ये है। और फ्रेंड्स हमारी जो है लवी से वापसी भी होगी। हम लवी भी गए थे और थोड़ी देर मार्केट भी गए थे, हमें थोड़ा सा सामान लेना था। आज लवी में क्या कुछ खास था, वैसे तो आपने मेरा लवी वाला पहले वाला व्लॉग भी देखा होगा, तो उसमें आप उस दिन जब मैंने दिखाया था तो उस दिन का भी व्लॉग आपने देखा होगा कि उस दिन कितनी गैदरिंग थी आज कितनी है। तो नवीन आपको कैसा लगा आज, क्या था आज लवी में खास? आज लवी में मैं कहना चाहूँगा कि वो खास था जिसके लिए लवी जानी जाती है। आज गैदरिंग काफी ज्यादा थी,
क्लोजिंग थी, ऊपर से लवी के बारे में पहले से ही वेदर, जब वेदर कंडीशन पहले ख़राब थी तो ऑब्वियसली लोगों के सेब भी अच्छे नहीं हुए, और जो भी था इस बार वैसे भी आपको पहले व्लॉग में आपने देखा है कि कुछ खास था नहीं लवी में, पर आज था, आज गैदरिंग काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा थी, और वैसे भी क्लोजिंग पर है लवी तो टुडे इज द लास्ट डे। यस टुडे इज द लास्ट डे। यस मुझे लगता है अभी आगे चलने वाली नहीं। नहीं 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 नहीं। अच्छा तो आज हम क्लोजिंग के लिए गए थे, पहले हम ओपनिंग पर गए थे, तो वो वाला व्लॉग भी आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला 2023, तो वो वाला व्लॉग जाकर आप देखिएगा। और इसी उसी के साथ मैं उस व्लॉग का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जिसने नहीं देखा है वो भी जाकर देख सकता है। हेलो तो क्या कर रहे हो और कब करा तुम लोगों ने ये सब? अभी तक लाइट तो थी नहीं, कैसे करा? ओके टॉर्च, वेरी इंटेलिजेंट। हाँ थैंक यू, इतनी सुंदर इतनी प्यारी, मतलब अच्छा है जो तुमने करा, मुझे लगा था कि आज तो बस वैसे अंधेरे में ही बर्थडे बनाना पड़ेगा। ओ वाओ, और ये है फ्रेंड्स मेरा केक, नाइस, थैंक यू आरव, थैंक यू नवीन विद टॉर्च, क्या बात है, इतने एफर्ट्स मेरे लिए, थैंक यू। तो फिर केक कट करें। तो फ्रेंड्स ये है मेरा बर्थडे केक, और ये इन लोगों ने थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी है, थैंक यू सरप्राइज के लिए। मेरा आज कैंडल लाइट बर्थडे भी बन चुका है, और ये देखिए मेरा केक फेशियल भी हो चुका है। तो आज क्या था फ्रेंड्स कि आज पूरे दिन भर कट लगा हुआ था, पूरे दिन भर मेरी लाइट नहीं थी यहाँ पर। जब मैं पहुँची रामपुर से यहाँ पर, तो उसके बाद मैं आते ही अपने कामों में लगी, क्योंकि डिनर बनाना था तो उस सब में लग गई, तो मुझे पता ही नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग ये सब कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि लाइट तो है नहीं, हम लोग वैसे ही कट कर लेंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स करे और थोड़ा डेकोरेशन भी इन लोगों ने करी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आप सब रिलेटिव ने, नियर डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग थे, इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह पर आप लोगों ने मुझे विश करा, तो आप इतनी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं और दुआओं के लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। थोड़ी बहुत जो लाइट हमारी बची है वो भी जाने वाली है, और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आज का जो व्लॉग है उसका एंड यहीं पर करूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करेगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अब मैं आपको मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।